वहीं कटनी के बड़वागा तहसील के अंतर्गत भजिया स्थित धान खरीदी केंद्र में दिए गए धान का पैसा पाने के लिए झवेला गांव के किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। किसानों ने कहा कि किसी कारणवश झवेला गांव के 2 दर्जन से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया था, जिस पर विलायत कला के भजिया खरीदी केंद्र प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने अपने बहनोई राकेश सिंह को धान देने को कहा। करीब 32 किसानों ने अपनी धान को राकेश सिंह को दे दिया, जिसका लेखा जोखा भी रजिस्टर में किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले सड़क हादसे में राकेश सिंह की मौत हो जाने के बाद धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने किसानों का पैसा दिलवाने से मना कर दिया। वहीं कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये ग्राम झरेला तहसील बड़वारा जिला कटनी के किसान आज बड़े दुखी होकर मेरे पास आए। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, भली भांति कलेक्टर साहब जानते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में या गेहूं खरीदी केंद्रों में खुला भ्रष्टाचार चल रहा और किसानों के साथ अन्याय हो रहा। इन किसानों के साथ भजिया के प्रभारी निरंजन सिंह ने बहुत बड़ा धोखा किया है। एक तो इनका पंजीयन नहीं होने दिया, जब इनका पंजीयन नहीं हुआ तो कहा मेरे बहनोई को राकेश सिंह को धान दे दो, आपका पैसा मैं दिलवा दूंगा। इन लोगों ने राकेश सिंह को धान दे दी, पैसा आज तक इनको नहीं मिला। यहाँ तक कि धान देने के कुछ समय बाद राकेश सिंह की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हालांकि लिखा पड़ी में धान की तौल और कितनी धान इन लोगों ने दी है, तौलने वाले भी अभी हैं, वो सारे प्रमाण इनके पास है, लेकिन अब निरंजन सिंह 13वीं तक तो बोलते रहे कि आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी को 1 रुपए में देने वाला नहीं हूँ। ग्राम झरेला के ये लगभग 10 कृषकों ने एक आवेदन दिया है कि उनकी धान ग्राम झरेला के किसी राकेश सिंह को इन्होंने दी थी और उसके द्वारा इनका पैसा नहीं दिया गया। आवेदन में ऐसा लेख है कि धान खरीदी केंद्र गजिया के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान के कहने से इन्होंने राकेश सिंह को अपनी धान दी थी, लेकिन पैसा इनको प्राप्त नहीं हुआ है। ये आवेदन प्राप्त हुआ है, इसको जांच में लेके इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं ग्राम झरेला का रहने वाला हूँ, मेरा पंजीयन नहीं था, मैंने धान राकेश सिंह को दी। उनके साले के कहने पर, उनका साला निरंजन सिंह चौहान भजिया खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, हमने अपनी धान दे दी क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था। 13वीं तक राकेश सिंह की मौत हो गई, 13वीं तक निरंजन सिंह के द्वारा कहा गया कि आपका 1 रुपया मिलेगा। 13वीं होने के बाद